अगर आप लोग महिला हैं यानी कि वुमेन हैं, तो आप लोगों को बस में सफ़र करने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शक्ति स्कीम की, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका में लॉन्च करी है। आज के इस वीडियो में इसी स्कीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, और कैसे आप बस में बिना पैसे के सफ़र कर सकते हैं, और कौन कौन सफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं इस स्कीम से। इस स्कीम का नाम है शक्ति स्कीम। शक्ति इसी से समझ में आ रहा है कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्कीम को लाया गया है। बेसिकली जो भी महिलाएं सफ़र करती हैं, जो इधर से उधर जाती हैं, जॉब के लिए जाती हैं या कोई काम के लिए जाती हैं, किसी भी तरीके से जाती हैं, तो उनको उनका जो ट्रैवल है वो ईजी करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। और कई सारे महिलाएँ जो है ना, जो पैसा डाल के खर्चा करके जो जाने में डरती हैं, तो उनको एक एम्पावर हो जाएगा कि फ्री है तो भी जो है ना, ऐसा होता है कि उनके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि फ्री है तो जाओ आप भी। तो ऐसा इस तरीके से जो है ना, महिलाओं को थोड़ा एम्पावर मिलता है, महिलाओं को थोड़ी मदद मिलती है। तो इसी वजह से ये स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के थ्रू से कोई भी वुमेन हो, वो कर्नाटका की गवर्नमेंट बसेस में फ्री में सफ़र कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सफ़र कर सकता है। सबसे पहले वुमेन्स, कोई भी कैटेगरी में, कोई भी एज कैटेगरी में, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, यंग हो, कोई भी कैटेगरी में जो भी महिलाएं वुमेन आती हैं, वो ये स्कीम का जो है ना फ़ायदा उठा सकती हैं। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो उनके लिए भी जो है ना, ये स्कीम पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि बस ट्रैवल फ्री है। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ तक फ्री है। ऑल ओवर दी कर्नाटका में जो भी गवर्नमेंट बसेस हैं, याद रखना गवर्नमेंट बसेस की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट बसेस नहीं, जो भी गवर्नमेंट बसेस हैं वो फ्री हैं। आप कहीं पे भी जो है ना गवर्नमेंट बस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी एसी बस की बात आती है तो वहाँ पे फ्री नहीं है। नॉर्मल बसेस जो भी है वो फ्री कर दिए गए हैं। मान लीजिए आपको अपने गांव से कोई दूसरे गांव को जाना है तो वो बस मिलती है, तो महिलाओं के लिए ये बस भी फ्री कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूँ आपको, गुलबर्गा से आपको अलंद को जाना है तो महिलाओं के लिए फ्री टिकट मिलेगी, या फिर अक्रॉस दी गुलबर्गा आपको कहीं भी अक्रॉस दी कर्नाटका आपको सिटी में ट्रैवल करना है, या फिर गांव में आपके विलेज में अक्रॉस दी विलेज ट्रैवल करना है बस से, तो आपको बिना किसी पैसे उसे ट्रैवल किया जा सकता है, अगर महिलाएँ हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो। अब बात करेंगे इस स्कीम को फ़ायदा उठाने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पास इशू करने की बात करी है, जिसमें जो है ना आप लोगों को वो पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेवा सिंधु वेबसाइट पर जाकर, वहां से आप लोगों को पास मिल जाएगा। लेकिन वो पास से पहले ये स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, आपको अभी पास की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी इसी वक्त जो है ना बस में चढ़िए, आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना है जिसमें आपकी फ़ोटो दिखनी चाहिए और एड्रेस दिखना चाहिए, इतना ही सिंपल है। आधार कार्ड कैरी करो, नहीं तो आपका जो पैन कार्ड है वो कैरी करो, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड है वो कैरी करो साथ में। ये तीनों में से कोई भी चीज़ आप लोग अपने साथ रखो, बस कंडक्टर जब भी टिकट लेने आता है उसको वो दिखा दो अपना आईडी कार्ड, तो वो फ्री आपकी टिकट काट के दे देगा। बात करें इस स्कीम के डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि बस जो है वो कम है, और लोग जो सफ़र कर रहे हैं खास करके महिलाओं की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। अब आप लोग अगर बस वीडियोस में देखेंगे तो बस में इतने खचाखच भर के जा रहे हैं सभी लोग, वो ओवरलोडेड हो रही है बस, और किसी को जगह नहीं मिल रही है। कई जगह तो देखा गया है कि जो कंडक्टर बस कंडक्टर हैं वो महिलाओं को मतलब देखकर जो है ना बस ऐसे ही चला दे रहे हैं, तो एक जगह पे महिला गिर भी गई है, ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो होप आगे जाके जो है ना गवर्नमेंट ये भी इशू को सॉल्व करे। और दूसरा मेजर इशू है वो है ऑटो वालों का, जो भी दूसरे ट्रैवल एजेंसी जो भी है ऑटो वाले टैक्सी वाले, उनके लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, क्योंकि जब बस फ्री कर दी गई है तो कोई भी जो है ना ऑटो नहीं लेगा, बस में ही चढ़ेगा, तो उस वजह से क्या हो रहा है, इन लोगों का जो भी बिजनेस है वो अभी टोटली जो है ना नीचे आ चुका है, तो इस वजह से वो लोगों की भी प्रॉब्लम हो रही है, वो लोगों की भी डिमांड अलग अलग चल रही है। तो उस सबको चीज़ों को साइड में रखते हुए ये जो अच्छी चीज़ भी है महिलाओं के लिए, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ डाउट है आप लोगों को तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।